भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता और स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू का जन्म दिल्ली में 6 मई 1861 को हुआ था। अपने बड़े भाई की देखरेख में मोतीलाल नेहरू ने अपना बचपन बिताया। पेशे से वकील, मोतीलाल नेहरू ने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया। इलाहाबाद में उनका घर था जिसे आनंद भवन का नाम दिया गया। लेकिन मोतीलाल नेहरू के जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपनी महंगी जीवन शैली का परित्याग किया और खादी पहनना शुरू किया। मोतीलाल नेहरू दो बार वर्ष 1919 और 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बाद में 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी भी बनाई। वर्ष 1930 में मोतीलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में 1931 में उन्हें रिहाई मिली। मोतीलाल नेहरू ने 6 फरवरी 1931 को अंतिम सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।